हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको नायरा सूट और प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग बता रही हूँ। ये मैं साड़ी का बना रही हूँ, तो इसमें मैं नायरा बनाऊँगी और प्लाजो भी बनाऊँगी और एक बच्चे छोटे बच्चे का फ्रॉक भी बनाऊँगी। तो ये पूरा 5 मीटर साड़ी है, आप देख सकते हैं इसमें सिक्वेंस है। तो इसी में मैं बनाऊँगी नायरा सूट और प्लाजो बनाऊँगी। तो इसमें मैं इनर लगाऊंगी, तो इनर की कटिंग कर चुकी हूँ और ये मैं लेंथ ले रही हूँ 15 इंच पे, और मैं शोल्डर रखी हूँ 6 इंच पे और आर्म होल में रखी हूँ 6 इंच पे, और यहाँ पे मैं चेस्ट साइज रखी हूँ 36 36 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आ रहा है, और 2 इंच का मैं मार्जिन रखी हूँ, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 इंच पे नेक लेंथ और नेक विड्थ में 3 इंच पर रखी हूँ। तो इस तरह से इसकी कटिंग मैं कर चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं इसी ओर रख करके इस दोनों पार्ट को कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं दोनों पार्ट को कटिंग कर चुकी हूँ, बैक और फ्रंट, और जो साड़ी पे बॉर्डर था तो उसी को मैं यहाँ पे यूज करूँगी, यहाँ पे मैं लगाऊँगी इस तरह से। यहाँ पे मैं बाजू काट रही हूँ, तो इसको मैं कपड़े को 4 फोल्ड में करी हूँ, दोनों बाजू एक ही साथ काट रही हूँ। तो मैं बाजू की लंबाई रखी हूँ 19 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, लेकिन उधर से कपड़ा सीधा नहीं था तो इसलिए मैं उसको मैं पहले काट करके निकाल दूँगी। इस तरह से मैं कपड़े को बराबर कर लूँगी और फिर मैं यहाँ से मैं इसका लेंथ ले रही हूँ, तो 18 इंच पे मैं इसका निशान लगाई हूँ, और यहाँ पे स्लिप गुलाई में ले रही हूँ 5 इंच पे, और 2 इंच का मैं मार्जिन रखी हूँ। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी, और यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से, और इसको मैं यहाँ से डाउन लूँगी, तो यहाँ पे भी 2.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। इस तरह से मैं बाजू का शेप दे दूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी, और यहाँ पे मैं कपड़े को पहले बराबर करूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे मैं लंबाई ले रही हूँ नायरा के घेरा के लंबाई में 30 इंच पे रखी हूँ। इस तरह से मैं 30 इंच पे निशान लगा दूँगी, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। इसी तरह से मैं दोनों पार्ट को कटिंग करूँगी 30 30 इंच पे। तो यहाँ पे मैं दोनों की कटिंग कर चुकी हूँ। साइड साइड में साड़ी का बॉर्डर है तो वो साइड में आएगा, तो पहले मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरह से, इसका बॉर्डर मैं इस तरह से रख करके, इस तरह से पलट करके इसके ऊपर मैं इस तरह से रख करके सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी, इसको पलटूंगी तो इस तरह से आएगा, इसके ऊपर भी सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, और फिर मैं इनर को रख करके इस तरह से रख करके इसके ऊपर इस तरह से रख करके मैं सिलाई लगाऊंगी चारों तरफ सही से बैठा करके। तो इस तरह से मैं पूरा सिलाई लगा दूंगी दोनों में इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं दोनों में सिलाई लगा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं इस पर भी मैं सिलाई लगाई हूँ, और यहाँ पे मैं कंधे को ज्वाइंट कर दूंगी इस तरह से मिला करके, दोनों पे मैं सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पे मैं बाजू की सिलाई लगाऊंगी, तो इस पर भी मैं बॉर्डर लगाऊंगी। तो इस तरह से रख करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी, और फिर मैं इसको पलट दूंगी, और फिर इसको भी पलट करके सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, और इसको भी मैं इस तरह से पलट करके सिलाई लगाऊंगी, दोनों में इसी तरह से मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें अटैच करूँगी, तो इस तरह से ये दोनों कंधे को पहले ज्वाइंट करी हूँ, और इस तरह से रख करके मैं बाजू पे अटैच करूँगी। तो पहले मैं सेंटर से इस तरह से रखूँगी, इस तरह से रख करके, और यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी, दोनों में इसी तरह से मैं अटैच करूँगी। तो यहाँ पे मैं बाजू अटैच कर चुकी हूँ, और ये नायरा का घेरा है, तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा करके एक धागे को पकड़ करके खींच करके चुन्नटे बनाई हूँ, और इसमें मैं अटैच करूँगी। तो यहाँ पे मैं
इस तरह से रख करके सिलाई लगाऊंगी। इसको पलट करके इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी और फिर मैं इसको पलटूंगी तो ये सीधा होगा। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, आप अपने हिसाब से फिटिंग के हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिटिंग का सिलाई लगाऊंगी इस तरह से, यहाँ पे निशान लगाई हूँ तो इस यहाँ तक मैं सिलाई लगाऊंगी। दोनों तरफ इसी तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। ये मेरा फाइनल लुक है। ये जो साड़ी का बॉर्डर है तो उसमें मैं नीचे भी लगाऊंगी इस तरह से मैं नीचे भी लगाऊंगी, इस पर अटैच करूंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी, दोनों साइड में इसी तरह से लगाऊंगी। तो ये मेरा फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough.